क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी, जैसा कि नाम से आपको लिखा होगा क्लोरो, क्लोरो का मतलब ग्रीन, इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। जो क्लोरोफाइटा है ये सबसे कॉमन पाई जाने वाली एल्गी है। ज्यादातर एल्गी फिलामेंटस है, ये फिलामेंट के रूप में पाई जाती हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर ताजे पानी में सबसे ज्यादा हैं। कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, जैसे के क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। कुछ कॉलोनियल हैं, जैसे के वोल्वोक्स है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये इनका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनमें प्लांट की तरह रिजर्व फूड स्टार्च है, फोटोसिंथेटिक में स्टार्च बनाते हैं। जो इनमें क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप डिफरेंट है, क्लोरोप्लास्ट किसी में कप शेप है, किसी में रिपल शेप है, किसी में लीनियर है, किसी में ओवल है, और इसमें इसके बीच में एक प्रोटीन पार्टिकल पाइरिनोइड पाया जाता है। दे हैव ए प्रोटीन पार्टिकल नोन एज पाइरिनोइड, ये भी इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसमें कुछ स्टार्च के साथ साथ जो फूड स्टोर है वो पाइरिनोइड है। पाइरिनोइड एक प्रोटीन का ग्रेन्यूल होता है। कुछ में ऑयल ड्रॉप भी पाई जाती है, ऑयल ड्रॉप्स पानी में रहने की वजह से गलती सड़ती नहीं है, क्योंकि इनकी सेलवाल के ऊपर एक लेयर पेक्टोजी होती है। सेलवाल के ऊपर एक पेक्टोजी लेयर है, पेक्टोज होने की वजह से वो सेलुलोज के अलावा पानी में गलती सड़ती नहीं है। ये इनकी जनरल करेक्टर्स की बात हुई। अब हम बात करें इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वही है जो हमने पहले पढ़े हैं, एक इनमें फ्रैगमेंटेशन से तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्ट में टूट जाती हैं और फ्रैगमेंटेशन होके ये अलग अलग पार्ट अलग अलग बना देते हैं। कुछ इसमें स्पोर भी बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कुछ में स्पोर फ्लैजेलेटेड बनते हैं, कुछ में एफ्लैजेलेटेड बनते हैं। फ्लैजेलेटेड स्पोर जो मूवेबल होते हैं इनको हम जूस्पोर बोलते हैं, और कुछ एफ्लैजेलेटेड स्पोर हैं इमूवेबल स्पोर। इमूवेबल जैसे कि स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा में जो स्पोर होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, यूरोथ्रिक्स में मूवेबल होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें जो स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल, वो एक जिस स्पोरेंजिया बनते हैं उसे कहते हैं जू स्पोरेंजिया। मूवेबल स्पोर के लिए जो जू स्पोर है वो बनते हैं जू स्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊ गैमस, ये हमने पहले पढ़े हैं। आइसोगैमस में दोनों गैमेट एक जैसे होते हैं, एन आइसो में डिफरेंट होते हैं, और ऊ गैमस में ये एक मूवेबल होता है एक इमूवेबल होता है। ये जो एल्गी हैं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं ताजे पानी में, सबसे ज्यादा इसके एग्जांपल हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास। ये थी ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी सबसे कॉमन पाई जाने वाली एल्गी है। इसमें जो फ्लैजेला हैं वो 2 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकते हैं। कुछ इसमें से ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में पाई जाती हैं, सब में भी फाउंड इन ब्रैकिश और साल्ट वाटर ऑल्सो। कुछ पाई जाती हैं लेकिन ज्यादातर फ्रेश वाटर में मोस्टली। ये था हमारा पहला ग्रुप एल्गी का जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइटा।
क्लोरोफाइटोकार्बन ग्रीन एल्गी कहते हैं। ग्रीन एल्गी के बाद दूसरा ग्रुप आता है फियोफाइटा या ब्राउन एल्गी, दूसरा ग्रुप है फियोफाइटा। फियोफाइटा को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी। ये मोस्टली मैराइन है, ब्राउन एल्गी ज्यादातर समुद्र में पाई जाती है। दे आर मोस्टली मैराइन। मल्टीसेलुलर है सारी की सारी, लेकिन समुद्र में ज्यादा पाई जाती है, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती हैं। ये जो फियोफाइटा है इसलिए इनको ब्रीन एल्गी कहते हैं। वास्तव में इनका जो कलर है ये कुछ इसमें ब्रांच होती है और हमें रंग इसका ब्राउनिश दिखता है। वास्तव में इनमें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल सी भी पाई जाती है, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल हर एल्गी में मिलेगा, किसी में क्लोरोफिल सी किसी में क्लोरोफिल डी साथ में मिलेगा। वहां आगे पढ़ेंगे रेड में क्लोरोफिल डी होता है, तो इसमें इसी वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। इसमें कुछ दूसरे पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीनोइड और जेंथोफिल, इन पिगमेंट की वजह से इनका कलर ब्राउनिश होता है। ये स्पेशल तरह के पिगमेंट हैं जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो। इसमें एक और पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन ये पिगमेंट भी इनके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल ए सब में होती है, इसमें भी क्लोरोफिल ए होगी लेकिन इसके साथ इसमें क्लोरोफिल बी की जगह क्लोरोफिल सी है। क्लोरोफिल बी किसमें थी? ग्रीन एल्गी में। इनमें जो ओजोन पाया जाता है वो स्टोर या तो लैमिनरीन या मैनिटोल, ये दो फूड स्टोर लैमिनरोन और मैनिटोल, इसके रूप में फूड स्टोर होता है। स्टार्च इसमें नहीं होती है, स्पेशल स्टार्च है, ये स्पेशल फूड मटेरियल है, स्पेशल फूड में स्टोरेज। समुद्र में होने की वजह से इनमें जो शैवाल है वो ऐसी होती है जो समुद्र के पानी से असर नहीं करती, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एल्गीन। शैवाल के ऊपर एल्गीन की कवरिंग होती है, सेलुलोज के साथ इसमें एल्गीन होते हैं, एक स्पेशल कवरिंग है एल्गीन की। इनमें जो नीचे वाली सेल है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, जो नीचे जुड़ी रहती है वो खाली होती है, उसमें ना न्यूक्लियस होता ना सेल ऑर्गन होते, ध्यान रहता है इसमें एल्गो होल्ड फास्ट के द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, वो तो हमने पहले भी लिया था। सभी में फ्रेगमेंटेशन तो टूटेगा कई पार्ट में, नया वो बन जाएगा, लेकिन इसमें जो स्पोर बनेंगे जनरली वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। द स्पोर आर मूवेबल एंड दे आर जनरली बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर, ये स्पोर बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं जिनमें दो फ्लैजेला होते हैं उसके द्वारा ये आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी तीनों तरह का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड ओगैमस, तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें ज्यादातर ये समुद्र में पाई जाती हैं और इसमें जो गैमिट्स हैं वो गैमिट नाशपत्ति की तरह के होते हैं और पाइरी शेप्ड, जो स्पोर बनेंगे वो पाइरी शेप होते हैं, नाशपत्ति की तरह के होते हैं जो फ्यूजन करके आगे जाइगोट बना देते हैं। इसके एग्जांपल लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोला और फ्यूकस सार्गेसम, ये इसके एग्जांपल हैं। ये था हमारा ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा। अगला तीसरा ग्रुप आता है रोडोफाइटा या रेड एल्गी। द थर्ड ग्रुप इज रोडोफाइटा।
इसको हम कहते हैं रेड एल्गी। ये रेड कलर की है, रेडिश दिखते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रोडोफाइटा। रोडोफाइटा रेड एल्गी है। ये सारी की सारी मोस्टली दे आर मैराइन, ये समुद्र में पाई जाती हैं। इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है। देखो पिगमेंट का तीनों फर्क है, पहली में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। इनके अंदर जो पिगमेंट है एक एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है फाइको इरिथ्रीन, जिसको जिसे रंग लाल दिखता है। इस पिगमेंट इज फाइको इरिथ्रीन दैट गिव्स देम ए रेडिश शेड। रेडिश शेड जो है वो फाइको इरिथ्रीन की वजह से होता है। ये समुद्र में रह जाती है, वार्मर एरिया में रह जाती है, और इसलिए जहाँ लाइट थोड़ी सी कम होती है, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। सबसे बड़ी एल्गी भी इसी में आती है, मल्टी सेलुलर कैल्प, जो कि कई मीटर लंबी हो जाती हैं और इस समुद्र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती हैं। इनमें फूड स्टोर होता है फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में, इसमें रिफरेंस है फ्लोरिडन स्टार्च, इस रूप में फूड स्टोर होता है। इसके अलावा इनके सेलवाल के ऊपर एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज टाइप, जिसकी वजह से ये एक इसमें जो ये फ्लोरिडन स्टार्च है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है स्ट्रक्चर में, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी वही है, असेक्सुअल पहले वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन टूट जाती हैं, ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जब कई हिस्सों में टूट जाएंगी हर हिस्से से नई एल्गी बन जाएगी। इसके अलावा इनमें जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी उसी तरह से स्पोर से होता है, लेकिन ये स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होते, नॉन मोटाइल स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल स्पोर बनते हैं, जो कि आपस में फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं, जाइगोट फिर डेवलप करके ये नया एल्गी बना देता है। तीनों तरह का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस है, एक मूवेबल है एक इमूवेबल है, इसको कहते हैं ऊगैमस, यानी कि ओवम और स्पर्म टाइप स्ट्रक्चर है। इसमें फिर डेवलपमेंट होता है, इसके मेंबर पॉलीसाइफोनियम। जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोर्थायरा, ये इसके मेन एग्जांपल है। ये थे हमारे एल्गी। अब हम एक कंपैरिजन तीनों में ले रहे हैं, तीनों ग्रुप में डिफरेंस क्या होगा, एल्गी के तीन ग्रुप है, तीनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ग्रुप ऑफ एल्गी। एल्गी के तीन ग्रुप हैं, अगर हम इनकी टेबल बनाए तो ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अगर हम तीनों कंपेयर करें तो जैसा कि सबसे पहले हम इनकी जो बात करें तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें पिगमेंट का हुआ। दूसरा डिफरेंस है इनमें कि इसमें जो एसेसरी पिगमेंट है इसमें कोई नहीं होता, इसमें फ्यूकोजेंथीन और इसमें फाइको इरिथ्रीन, जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। ये इसमें एसेसरी पिगमेंट है, इसमें एसेसरी पिगमेंट नहीं होता, इसमें केवल क्लोरोफिल या क्लोरोफिल भी होता है। इसमें फूड स्टोर स्टार्च के रूप में होता है, इसमें मैनिटोल और लैमिनरीन, इसमें फ्लोरिडन स्टार्च जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। इसमें जो
स्टोर्ड फूड है, जो सेलुलोज केवल सेलुलोज ही होती है, इसमें सेलुलोज के ऊपर एल्गीन भी होती है साथ में, और इसमें भी खाली सेलुलोज ही होती है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर है, कुछ मैराइन में भी और ब्रैकिश वाटर में भी, सम इन ब्रैकिश वाटर एंड मैराइन, ब्रैकिश एंड मैराइन। ये मोस्टली मैराइन, कुछ फ्रेश वाटर में कम है, और ये भी ब्रैकिश और मैराइन, ब्रैकिश और मैराइन। ये इनका डिफरेंस था। इसमें जो मूवेबल गैमेट नहीं बनते, इमूवेबल होते हैं, इसमें मूवेबल होते हैं, इसमें भी मूवेबल होते हैं। ये इसमें डिफरेंस हुआ तीनों में। तो ये था हमारा एलगी, एलगी का आप अपने तीनों का कंपैरिजन आप देख लेंगे। इसको ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।